welcome back to my youtube channel today we are going to read our oxford countdown book for third edition chapter number one exercise 1 c before starting the exercise we have to revise some definitions or, or some spellings okay what is multiplication multiplication means to multiply a two number when two number multiply we how we can call these two number our first number when we write when, and during the multiplication our first number is called a multiplicant our second number is a multiplier, and the answer which we get from the multiplication is called a product. Okay, keep in your mind multiplicant, multiplier, and product. Okay. Our second step is our second definition which we have to revise is about a divide division. What is a division? Division mean to divide two numbers. During division, a number which we write outside of the sign of the division is called a divisor. A number which we write inside a sign of division is a dividend and the number on the sign of a division is a quotient and we get from during the division we get a number here is a remainder okay divisor dividend quotient remainder i hope you remember these words now we are going to start our definitions our definition uh, sorry, we are going to start our exercise, exercise 1c. Fill in the blanks. In th uh, 3256 multiplied by 28, 3256 is called the. First number of a multiplication is called, we call this number is a, is a multiplicant. So we write here a multiplicant, okay. सेकेंड इज द क्वानिटी बाई विच द मल्टीपीकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड इज नोन एज यानी वो नंबर जिसके साथ मल्टीपीकेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है होते है? क्या कहते हैं मल्टीप्लायर ओके द नंबर विच डिवाइड आर डिवाइड इज कार वो नंबर जिसके साथ डिवाइड हो रहा होता है डिवाइडेंट डिवाइडेंट से हो डिवीजन साइन के अंदर डिवीजन साइन के अंदर जो नंबर होता है वो डिवीजन साइन के बाहर देखें ये वाला नंबर यहां पर लिख देते हैं टू कहते हैं इस नंबर को क्या कहते हैं इस नंबर को हम क्या कहते हैं जो डिवीजन साइन के बाहर होते है, हम कहते हैं डिवाइजर नेक्स्ट हमारा है पार्ट नंबर डी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड अगर हम ऐट थाउजेंड फोर हंड्रेड को हंड्रेड के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पर देखें हम इसको इस तरीके से राइट करते हैं देखिए एट थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड टू जीरो कट गए टू जीरो कट गए हमारे पास नंबर क्या बच चुका है एटी फोर तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एटी फोर क्या है हमारा आंसर है इफ़ द डिवाइडेंट इज थ्री थ्री हंड्रेड फोर्टी एट एंड द डिवाइजर इज़ ट्वेल्व देन द रिमाइंडर इज तो कहते हैं फिर रिमाइंडर क्या होगा तो so, यहाँ पर देखे हमने यहाँ पर रेफर किया है मैंने रेफर किया मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास फोर्टी पर ट्वेंटी एट आया लेकिन रिमाइंडर में हमारे पास क्या आया जीरो यानी ये जो है कम्पलीटली डिवाइड हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीरो नेक्स्ट state है स्टेटमेंट स्टेट वेदर द क्वेश्चन नंबर टू हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स हम लोगों ने बताना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है वैन वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी फाइव इज डिडेड बाई से रिमाइंडर इज जीरो कहते हैं कि जब ये नंबर सिक्स के साथ डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा सबसे पहले तो देखें यहाँ पर वंस पोजिशन पर क्या है ऑड नंबर है ये हमारा इवन नंबर है इवन नंबर के जो टेबल uh, जब भी हम मल्टी uh, टेबल uh, पढ़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड इवन नंबर के साथ ही हो तो हो सकता है लेकिन यहाँ पर देखें ऑर्ड है तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ सकता तो ये क्या है स्टेटमेंट हमारी फॉल्स इन फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाय एट द रिमेन द नंबर फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन इज द डिवाइडेंड कहते हैं कि ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ठीक है फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन को डिवाइड किया जा रहा है एट के साथ तो कहते हैं फोर हंड्रेड ट्वेंटी है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है हमारे देखिए फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन हम लोगों ने यहाँ पर राइट करेंगे ना तो जो अंदर डिवीजन साइन के अंदर जो नंबर होता है उससे हम क्या कहते हैं डिवाइड तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट ट्रू इफ वी डिवाइड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटी सिक्स बाई टेंट इज थ्री हंड्रेड एट तो कहते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कोटियन आएगा वो थ्री हंड्रेड एट आएगा तो हम इसका रेफर करते हैं यहाँ पर देखें मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ पर देखें पहले हम लोग थ्री के साथ गए तो थर्टी सिक्स आया कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है फिर हमने नाइन को उतारा लेकिन नाइन क्या है ट्वेल्थ से छोटा है तो हम एक नंबर ही हमने दो नंबर इकट्ठे उतारे दूसरे नंबर भी उतारा तो यहाँ पर हम लोगों ने जीरो राइट कर दिया नाइनटी सिक्स जो है वो ट्वेल्थ के टेबल में एट के साथ आता है तो यहाँ पर देखें हमारे पास रिमाइंडर जीरो एंड कोटियर पोजिशन पर हमारे पास आ चुका है थ्री हंड्रेड एट थ्री हंड्रेड एट ही वो नंबर है जो हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ फोर हंड्रेड सॉरी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड इफ़ द वन नंबर इज़ हंड्रेड वट विल बी सॉरी द अदर नंबर विल बी फोर हंड्रेड एटी तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ज़ीरो ऐड होते हैं ठीक है कीप इन योर माइंड के मल्टीप्लिकेशन में जीरोस क्या होते हैं ऐड होते हैं अगर यहाँ पर देखें टू जीरो ये हो चुके हैं एंड एक जीरो ये हो चुका है ना तो थ्री जीरो तो यहां पर तो सिर्फ टू जीरो है इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स अगर यहां पर एक जीरो होता या यहां पर जी, इन दोनों में से यानी यहां पर एक जीरो कम होता दोनों वैल्यू में से तो हमारी स्टेटमेंट तब ट्रू थी लेकिन यहां पर देखें यहां पर टू जीरो है यहां पर वन जीरो है यानी थ्री जीरो तो ये तो जो नंबर बन रहा है तो ये कुछ और ही बन रहा है ठीक है तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट तो रॉन्ग है नेक्स्ट हमारे पास है वन वन थाउजेंड एट मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव इज़ थ्री थाउजेंड सॉरी थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड एटी तो चलिए हम इसका रेफर करते हैं यहाँ पर देखें मैंने आपको रफर में शो कर दिया मेरे पास जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है बिलियर वो है थर्टी फाइव थाउजेंड सॉरी थ्री हंड्रेड

जब भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर देखें आसानी से हम लोग निकाल थ्री जीरोज़ है ना वन टू थ्री ज़ीरो टू फिफ्टीन जर क्या आ जाएगा थर्टी हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है थर्टी थाउजेंड तो ये देखें हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इफ़ वी डिवाइड अगर हम डिवाइड कर रहे हैं फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू बाई ट्वेंटी सिक्स जरा रिमाइंडर इज हमारा रिमाइंडर क्या आएगा चले हम इसका पहले रेफर करते हैं यहाँ पर देखें मैंने ट्वेंटी सिक्स के साथ गिवन वैल्यूज़ को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ चुका है सिक्सटीन सिक्सटीन ही हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी इज को करेक्ट हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे द नंबर लेफ्ट इन द एंड ऑफ द लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड द यानी लॉन्ग डिवीजन में जो नंबर नीचे रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम रिमाइंडर कहते हैं यहाँ पर देखें मैंने डिवाइड किया है ये सिक्सटीन क्या है हमारा रिमाइंडर है ठीक है इफ़ द कास्ट ऑफ़ वन बुक इज़ रुपीज़ फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव दैन द कास्ट ऑफ थर्टीन बुक विल बी एक बुक की कीमत गिवन है थर्टीन बुक की कीमत हम लोग से कहा गया है कि फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो चुका है उम्मीद करूँगी आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें अला हाफिज़